This is that what exterior emulsion is. You can see over here, we have got two products. BellShield Powerflex is giving a warranty for 12 years. Assalamualaikum, मैं आया हूँ Echo Center और यहाँ पर लगी भी एग्जीबिशन और ये लगा हुआ है कराची Echo Center डिज़ाइन है जर्नी क्रिएट और बिल्डिंग मटेरियल और एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस मैंने आज देखते हैं कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं चले आए रोशन्स द रोशन्स ये देखें ये सेट देखें ये डिज़ाइन ये देखें ये टेबल है डिनर टेबल है ये और ये अलमारी है ये कितनी खूबसूरत अलमारी है ये और ये बेड है ये बेड ये लेंथ देखें वो ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगा है ये पीछे पेंटिंग लगी है ये पूरा सेटअप है ये खोलना गेट खुलेगा गेट खोल के दिखाओ ये अलमारी है वैसे अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो जो लोग फर्नीचर की नीड है जो ख़रीदना चाहते हैं वो इनसे कांटेक्ट करें तो ये दराज खोलो वाह आओ आगे आओ शारिफ ये वाला खोलना ये वाला दराज खोलना ये खोलिए हाँ ये खोल के दिखाएं आगे आगे की दराज वगैरह खोलें चलो भाई मोटा प्लेस बना हुआ है ज़बरदस्त बेहतरीन बहुत अच्छा मोटा प्लेस ये क्या बनाया है ये नक्शा है ये याली यूनिवर्सिटी का है ये एनएडी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर है ये किस चीज़ का है सांगा नक्शा ये सिंध का नक्शा है वाह यार सिंध का नक्शा कितना प्यारा लग रहा है ये सांगड़ है ये डब ओ बेहतरीन ये डब बाद है और ये लगा हुआ है बेसन ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये बेसन डिज़ाइन है ये भी बेसन डिज़ाइन है ये कमोड डिज़ाइन है मतलब तुम्हारे पे चारों रेट है चाइनीज़ भी है टर्किश भी है रॉका भी है और ये भी है नहीं प्राइस है आपके पास अच्छा बेसिकली एक थीसिस प्रोजेक्ट है एक स्टूडेंट है बिलाल नाम है थीसिस प्रोजेक्ट है और उसका टॉपिक ये था कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो और अब हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके अंदर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है सही और इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पे जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमने जो है ना वो रीयूज कंटेनर से बनाया रीयूज कंटेनर से बनाने की वजह ये थी कि ताकि ये चीज़ जल्दी बन जाए ये प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाए जैसे गवर्नमेंट अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाती है तो वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का बनाती है तो उसके बाद 5-6 साल लग जाते हैं तो इसका फ़ायदा ये था कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से जो है ना आप वही काम 6-8 महीने में या इससे भी कम के टाइम पीरियड में कर सकते हो अच्छा इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इससे नीचे की तरफ जो है ना पूरी जो है वो कम्युनिटी स्पेस बनाती है
मतलब यहाँ पे छोटी छोटी सी आपको लेफ्ट साइड पे मार्केट्स नज़र आ रही है, उसके सामने कैसे फार्मिंग और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। इसका मकसद ये था कि कम्युनिटी ज़्यादा यहाँ पे इंगेज हो सके, वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सके। स्पेस जो है वो काफ़ी उसने ओपन और फ्री बनाया था कि लोग यहाँ से आना जाना हो, लोग देख सकें। तो बात ये एक चीज़ जब बनी हुई होती है हम उसके अंदर नहीं जा सकते, हमें नहीं पता था उसके अंदर क्या चल रहा है। तो लोगों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस तरह की स्पेस डिज़ाइन की है नीचे वाली, ताकि लोग यहाँ पे आए वो बिजनेस। अच्छा, ये जिस तरह बनी हुई हो ये फोटो में भी यही है? जी, ये फोटो में यही है, फोटो में इसकी फ्रंट एलिवेशन है। अच्छा, ये वाली है? तो इसके डिफरेंट फ्लोर प्लान्स हैं कि इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे अलग होंगे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पूरा ये ऑटोमोबाइल है कि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सही करना वो सिखा रहे होंगे, ये इसका सेक्शन आ गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो कहते हैं HVAC, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इस तरह की वो लोग क्लासेज वगैरह सिखा रहे हैं। जैसे ये प्लम्बिंग की क्लासरूम है, ये HVAC का क्लासरूम है, इलेक्ट्रिकल का क्लासरूम है। तो हर फ्लोर के हिसाब से जो है ना एक डिफरेंट एजुकेशन हो रहा है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे इसके अंदर आप देख रहे होंगे ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सही हो रही होंगी। इस तरह से कॉन्फ्रेंस रूम आ गया कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, कैफ़े बना दिया जो स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनको कुछ खाना पीना हो, तो इस तरह से सारी चीज़ें खाई है। और ये अलग ये अलग स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है इसका। अच्छा, चले सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने वाला मेरा अपना दोस्त। सामने वाला आपका कौन सा? ये सामने वाला मेरा मॉडल बाहर रखा है। अच्छा, ये वाला आपका है और इसका मॉडल कहाँ रखा हुआ? ये ओ बहुत खूबसूरत है ये वाला। ये आपने मेरा बेसिकली टॉपिक ये था रीडिफाइनिंग रिलीजियस स्पेसेस मॉस्क एज अ सोशल कैटलिस्ट, के मॉस्क का जो है वो हमारा क्या रोल और फंक्शन होता था पहले और अब वो कितना लिमिटेड हो गया है टू द प्लेइंग स्पेस हो गया। तो मेरा थीसिस टॉपिक ये था कि मॉस्क जो है वो कम्युनिटी को किस तरह से इंगेज कर सकते, कम्युनिटी स्पेस किस तरह से मिल सकती, वो मॉस्क भी हो कम्युनिटी स्पेस भी हो उसके लिए। अच्छा, मॉस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती, तो मैंने अपनी रूम बनाई ना इस तरह से बनाई कि बारिश होती है तो सारा पानी फ्लो के इस तरफ आ जाएगा। उसके साथ ये जो आप टावर देख रहे होंगे, बेसिकली मैंने मीनार वाली चीज़ को रिफ्लेक्ट किया, मीनार वाले आइडिया को मैंने रिफ्लेक्ट किया और ये बेसिकली बैम्बू मैश टावर है। यहाँ पे सारा रेन वाटर हमारा कलेक्ट हो रहा होगा और ये सारा अंदर स्टोर हो रहा होगा। इसी तरह से पीछे वाली जो स्पेस है हमारी पूरी कम्युनिटी स्पेस है, यहाँ पे जो है वो मतलब जैसे अभी सैलानी JDC वगैरह दस्तर खान पर खाना खिला रहे थे वो वाली चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा बाज़ार भी लग सकते हैं यहाँ पे, जैसे इतवार बाज़ार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मंगल बाज़ार होता है वो वाली चीज़ भी। इसके ऊपर जो अभी अम्ब्रेलाज देख रहे होंगे मस्जिद नबी में, जैसे उन्होंने अम्ब्रेलाज लगाए वो वाली चीज़ें, ताकि इससे भी जो है ना वो रेन वाटर हमारा स्टोर हो सके। फिर ये दो मदरसे आ गए लड़कों का, लड़कियों का, पीछे इमाम साहब का घर आ गया, यहाँ साहब के घर के साथ जो है हमारा कहते हैं मेहमान खाना आ गया कि कोई ट्रैवल करे वो यहाँ पे आके रुक सकता है, उससे मिनिमम रेंट ले सके, क्योंकि हमारे मॉस्क में सबसे ज़्यादा फंड्स चाहिए इस चीज़ को चलाने के। सही है, सही है। तो वो फंड्स फिर जो है ना मतलब पूरा सस्टेनेबल मॉडल हो, उसका डिज़ाइन भी सस्टेनेबल हो, वो इट सेल भी सस्टेनेबल हो, तो इस तरह से चीज़ें सामने सारी वो शीट्स वगैरह लगे ये वाली शीट्स। अच्छा, ये वाली। और यूनिवर्सिटी का नाम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सही है, ये भी हाथ से बनाया है। ये भी एक परिंदा है? नहीं, ये ना मतलब डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है। ये बेसिकली बेसिक डिज़ाइन हमारे कोर्स होता है उसके अंदर करवाए जाते हैं कि इसके पीछे कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर उस पर वो करूँगा। जैसे आप वो सामने देते हो कोने पर रखोगे, इस तरह से वो छोटे छोटे वो रखे हुए, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपकी इसकी जो एजुकेशन है कितने चले? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये कंपनी का नाम है और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाए इन्होंने। ये डिज़ाइन बनाया है, ये हाथ से डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। ये इनके सैंपल हैं, ये लाहौर की कंपनी है और ये डिज़ाइन क्रिएट करती है
बहुत अच्छे लोगो बना कर देती है, इनसे कॉन्टेक्ट करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। It's my life.